आतंकियों का साथ देने, उनको पनाह देने और उनका लालन पालन करने से साफ इनकार करने वाले पाकिस्तान का चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। जी हाँ, खुद को पाक साफ बताने वाले और खुद को आतंकियों से आतंकित देश करार देने वाले पाकिस्तान की आतंकियों के साथ हमदर्दी उजागर हो गई है। दरअसल पाकिस्तान की इमरान सरकार यूएन की तरफ से घोषित आतंकवादी और 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद पर दरिया दिल हो गई है और हाफिज के संगठन जमात उद दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन को प्रतिबंधित संगठनों की सूची से हटा दिया गया है। बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ने अमेरिका के दबाव में आकर हाफिज के खिलाफ अध्यादेश जारी कर उसके संगठनों को प्रतिबंधित संगठनों की सूची में रखा था, लेकिन लगता है कि इमरान सरकार को ये बात ज्यादा हजम नहीं हो रही और वो आतंक के खिलाफ सख्त होने के बजाय नरम होती दिखाई दे रही है, वो भी तब जब पाकिस्तान के ऐसी रवैये के चलते उसे बाकी दुनिया से अलग थलग होना पड़ा था। अमेरिका ने भी पाकिस्तान को मदद देना बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है मानो पाकिस्तान को किसी की जरूरत नहीं, वो सिर्फ दुनिया भर में आतंक फैलाकर ही अपना भरण पोषण करना चाहता है। पाकिस्तान सरकार के हाफिज सईद के संगठनों को प्रतिबंधित सूची से हटा देने से बाकी दुनिया में जो नई इमरान सरकार से आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेने की उम्मीद थी वो खत्म हो गई है, बल्कि अब ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब पाकिस्तान और आतंकियों को पनाह देगा और पालेगा भी।